फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अभी शंघाई। थोड़ी देर में मैं बाहर निकल जाऊंगा और ये कुछ एयरपोर्ट ऐसा ही दिखता है। कल मेरी मीटिंग है और कल एग्जीबिशन भी है, मेरे को थोड़ा इनविटेशन मिला है तो जाना पड़ेगा। अब मैं जा रहा हूं अपने होटल में। तो इधर का एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। मैं रात को पहुँचा हूँ और कुछ 3 बज रहे हैं अभी रात के, और यही कुछ ऐसा दिखता है, खाली पीली। और ये फुदोंग का एयरपोर्ट है, आप देख सकते हो कुछ ऐसा ही दिखता है, मतलब बेहतरीन है और ठीक भी है। और वैसे तो इधर मैं आ चुका हूँ बहुत बार, अगले वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था मैं आया था इधर फुदोंग में बहुत बार आ चुका हूँ, तो सब कुछ पता है मुझको इधर क्या है क्या नहीं। और एक्चुअली मैं मीटिंग है कल, तो इसके लिए मैं जल्दी आ चुका हूँ इधर, और कोई फ़्लाइट भी नहीं थी, और घाई घाई में फ़्लाइट भी बुक की और मैं आया। और फिर अपना कल मेरा मीटिंग और प्लस एग्जीबिशन 2 अटेंड करूँगा, फिर थोड़ा घूमूंगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि शंघाई कैसा दिखता है, और फिर मैं निकल जाऊंगा। तो मेरी जर्नी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, और मतलब घाई घाई में मेरे को आना भी पड़ता है, घाई घाई में मेरे को जाना भी पड़ता है, देर इज़ नो टाइम। तो बहुत सारे मतलब डिफ़िकल्टी होते, बट एवरीथिंग इज़ अ फाइन। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी बाहर निकलूँगा थोड़ा, और इधर कुछ थोड़ा ज़्यादा था खाने को, तो इधर तो कुछ है नहीं, सब बंद हो चुका है एक्चुअली में, और रात बहुत हो चुकी है, तो जो भी मिलेगा वो बाहर ही मिलेगा। अभी मैं थोड़ा नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पे टैक्सी वैक्सी भी मिलती है, मिल चुकी है मुझको टैक्सी भी। अभी मैं टैक्सी में बैठा हूँ और जा रहा हूँ अपने होटल के लिए, और थोड़ा रेस्ट करूँगा कि मुझे 7 बजे उठने का भी है, और आते आते 5 भी बज चुके हैं, मैं सोया भी नहीं हूँ, और अभी मैं क्या करूँ। तो अभी जाऊँगा थोड़ा सा सोऊँगा और फिर नहा धोवा के फिर मैं निकल जाऊँगा। ये कुछ होटल ऐसा दिखता है अंदर का, आप देख सकते हो, और फिर सुबह उठना है, मतलब सुबह तो हो भी चुकी है, 2 घंटा अभी मतलब सोऊँगा और फिर मैं जाऊँगा एग्जीबिशन के लिए। तो अभी इधर ही रहता हूँ थोड़ा सा, और ये कुछ देखो क्या पेंटिंग बना है इसके अंदर, लाजवाब दिख रहा है, अच्छा है लेकिन ठीक ही है। अभी 8:30 बज रहे हैं और मैं वैसे लेट उठा क्योंकि थक गया था, और 9 बजे का कुछ एग्जीबिशन है, फिर एग्जीबिशन अटेंड करूँगा और फिर मैं जाऊँगा अपना अपना क्या बोलते हैं मीटिंग में। तो अभी मेरे को टैक्सी भी मिल गई है, होटल ने अरेंजमेंट किया था, टैक्सी मेरे को मिल चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ एग्जीबिशन के लिए। ये कार BYD की कार है, इसका हैंडल देखो कैसा है, एकदम यूनिक है, और ये कुछ इसका देखो ना गिटार माफित बना है इसका नीचे का हैंडल, तो मतलब लाजवाब है, एकदम मस्त दिखती है गाड़ी। वैसे ये BYD इंडिया में कुछ 35 लाख के करीब है, लेकिन चाइना में मेरे ख्याल से 10 लाख की है, ठीक ही है। लेकिन वैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इधर ज़्यादातर टैक्सी इलेक्ट्रिक ही है शंघाई में, मतलब पूरे चाइना में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक ही गाड़ी है अगर आप देखोगे तो। और ये कुछ ऐसा ही दिखता है अंदर से, मतलब ठीक है बहुत, और ये गाड़ी मतलब एकदम कम्फर्टेबल है, जहाँ इसका सस्पेंशन एकदम तगड़ा है, मतलब बहुत अच्छा है, ये सब रोड पे एकदम टकाटक चलती है। और आप लोगों ने कभी देखा होगा इंडिया में भी ये BYD आई है, लेकिन उधर महंगी है, सिर्फ इधर ही चाइना में सस्ती मिलती है। और कुछ ऐसा ही दिखता है शंघाई का बाहर का नज़ारा, घर छोटे छोटे एकदम, और बहुत सुंदर दिखते हैं। इधर आ चुका हूँ अभी एग्जीबिशन में, और ये कुछ एग्जीबिशन दिखता है फुदोंग का, कुछ ऐसा ही है, और एकदम लाजवाब। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, बहुत बड़ा है, छोटा मोटा एग्जीबिशन है नहीं, बहुत बड़ा है, और बहुत लोग आए हैं इधर। और ये मेरा कार्ड भी मिल चुका है, इनविटेशन मतलब एंट्री कार्ड है ये मेरा, मिल चुका है अब मेरे को, और मेरे कंपनी का है। अब मैं जा रहा हूँ अंदर, ये कुछ ऐसा ही दिखता है अंदर का, इसके अंदर W1 W2 W3 मतलब बहुत है, और हज़ारों कंपनियाँ आई इधर, बाहर से आई हैं, जर्मनी से आई हैं, मतलब हर एक कंट्री से आई हैं, और चाइना की बहुत ज़्यादा हैं इधर, मतलब W1, W2, W3, E1, E2, E3 बहुत सारी कंपनियाँ बाहर की, और इधर इंडियन भी आए हैं, अलग अलग देश से भी आए हैं, बहुत लोग आए हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी मोटी कंपनी इधर है नहीं, और छोटी मोटी भी हैं लेकिन वो लोग भी बड़ी कंपनी है एक्चुअली में, और ज़्यादातर इधर देखो अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं और क्या है क्या नहीं, मतलब एकदम लाजवाब है। और मैं अभी बहुत लोग से भी मिलने वाला भी हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, दैट इज़ अ पर्सनल। तो ये देखो कुछ ऐसा ही दिखता है, और ये वायर एंड केबल की कंपनी है, ज़्यादातर वायर एंड केबल मशीनरीज एंड हैवी इंडस्ट्रीज मशीनरीज, सो मैनी, तो इधर बहुत सारे हैं। और ये कैफ़े है सामने, मतलब हर चीज़ की सुविधा भी है, आप थक गए आओ इधर कॉफ़ी पियो ये पियो,
खाना खाओ, जो करने का करो। और इधर इंडियन भी आते हैं, बहुत आते हैं इंडियन इधर भी एग्जीबिशन में थोड़ा, और लोग का भी मतलब बूथ है इधर। अब मेरा एग्जीबिशन तो अटेंड हो चुका और मैं अभी निकल चुका हूँ, अपना थोड़ा घूमूंगा, और बातचीत भी हो चुकी मेरे जो क्लाइंट्स है थी, बातचीत भी हो चुकी और एवरीथिंग इज़ अ फाइन। तो मैं इधर आया हूँ अभी घूमने के लिए, और ये इधर का बेस्ट प्लेस है। आप देख सकते हो इधर के मतलब स्ट्रक्चर वेरी नाइस। मैं इधर बहुत बार आया भी हूँ, और मतलब 8 साल बाद और 7 साल पहले भी मैं इधर आ चुका हूँ। तो ये कुछ ऐसा है और अभी भी वैसा ही दिख रहा है। देखो इधर का नज़ारा एकदम लाजवाब है। इधर आने का इसी के लिए मन करता है क्योंकि इधर हर चीज़ मतलब सुंदर है, आप देख सकते हो। तो ये है कुछ शंघाई का ब्यूटीफुल नज़ारा, आप देख सकते हो। इधर टूरिस्ट बहुत हद से ज़्यादा आते हैं। अभी आप लोगों को अंदर ये मार्केट है, मतलब छोटे छोटे मतलब दुकानें हैं, और इधर मतलब एंटिक सामान मिलते हैं, आप देख सकते हो रखे हैं। ये सब एंटिक है, मतलब हर चीज़ महंगे हैं, और ये सब लोग खरीदते भी हैं, और छोटे मोटे दुकान भी है। मतलब ये आप देख सकते हो, ये अभी ये देख रहे हो इधर भी, मतलब एंटीक ही है, सब एंटीक है और हर चीज़ महंगे हैं। और देखो ये मेरे बगल में जो, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, दिखा रहा है। और कुछ ऐसे हैं मतलब ये हैंडक्राफ्ट है मटेरियल, ये जितने भी हैंडक्राफ्ट है ये कुछ ऐसे ही दिखते हैं, और ये भी अच्छे हैं। मैं सोचा ले लूँ, लेकिन ये अब लड़कियों के, मैं क्या करूँगा लेके। अपना फ़ोटो भी ले लूँ, कैसा दिख रहा हूँ मैं? हाँ, बहुत तगड़ा है। और यही कुछ ऐसे इसकी दुकानें हैं, मतलब अच्छा है। और ये लोग मतलब एकदम जुगाड़ में बनाए, देखो ये सब ये भी हैंडक्राफ्ट है। मतलब ये अपना एल्युमिनियम और ये सब इसके हैं, क्या बोलते हैं, कॉपर के हैं ये सब प्रोडक्ट। ये इंडिया में भी बहुत मिलते हैं, लेकिन ये चाइना में मतलब ये सब हैं जो बहुत महंगे मिलते हैं, आप देख सकते हैं। एकदम एंटीक है मतलब, और घर पे सजाने के लायक, मतलब अच्छा है ये सब। मैं भी लेके जाऊंगा कभी। और ये कुछ ऐसा ही है नज़ारा, आप देख सकते हो। मतलब छोटे छोटे दुकानें एकदम मेंटेन करके रखे हुए हैं, और हर चीज़ एकदम बाकायदा है। मतलब जो चाहिए आपको लो, और ये लाइन से बहुत है, पूरा दूर तक है। अभी देखो ये इधर है और एक बगल में भी है, मतलब हर चीज़ आपको मिल जाएगा, जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, सजावटी आइटम मिल जाएगा। और ये कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है इधर का, जो मेन एंट्री है यही है, और एग्ज़िट भी इसके ये इधर से एग्ज़िट है, और ये कुछ ऐसा ही है। और मैं थोड़ा आगे हूँ बाहर, ये कुछ ऐसा दिखता है। और बहुत पब्लिक भी है इधर घूम रहे हैं, टूरिस्ट हैं, लोकल पीपल भी है इधर, रहते हैं अपना अपना सुबह निकले हैं, अपना लेके जा रहे हैं, अपना खाना पीना बनाएंगे, सोएंगे, खाएंगे, इंजॉयमेंट करेंगे। और इधर देखो ये सब दुकानें हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। मतलब इधर कुछ कचरे रोड पे दिख ही नहीं रहे, एक छोटा सा भी पीस का कचरा मेरे को नहीं दिख रहा है, मानना पड़ेगा बहुत क्लीन है। एंड दैट इज़ वाई आई लाइक हियर, एवरीथिंग टू मच क्लीन। और यही हमको चाहिए भी, मतलब हर चीज़ क्लीन। देखो बगल में डस्टबिन है इधर, हर चीज़ मतलब बहुत क्लीन है। रोड भी देखो इतना क्लीन है इधर कि क्या बताएं, हर चीज़। और हर चीज़ मतलब सिस्टमेटिक भी है, गाड़ी भी चल रही है, कोई बंदा भी है, हर चीज़ सिस्टमेटिक है, लोग भी सिस्टमेटिक चल रहे हैं, ये नहीं कि कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, एकदम सिस्टमेटिक हर चीज़। अभी KFC भी मिल चुका है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कॉफ़ी पीऊँ क्योंकि बहुत थक गया हूँ, और इतना वो अभी मैं इधर आ गया हूँ, कॉफ़ी लूँगा और फ्रेंच फ्राइज़ लूँगा, और बगल में डोमिनोज़ है तो उधर से पिज़्ज़ा लूँगा। तो ये आ चुका मेरा फ्रेंच फ्राइज़, ये कॉफ़ी, अभी ये थोड़ा पीऊँगा, और ये मेरा है पिज़्ज़ा, इसको खाऊँगा और फिर कहीं निकलेंगे। अब मैं निकल भी चुका हूँ, ये देखो एक कुत्ता है बगल में, मैंने देखा इसको तो सोचा वीडियो भी बना लूँ, बहुत नाइस है। और कुछ मैं सोच रहा हूँ एक मैं भी रख लूँ इधर, लेकिन कौन संभालेगा, यही प्रॉब्लम है। ये सब मतलब बहुत नटखट होते हैं ये सब कुत्ते, क्या बोले। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करो, ढक लिया। ये छोटी सी देखो कार है, एक्चुअली में ये इधर की रिक्शा है, लोकल लोग चलाते हैं, इसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ ऐसा ही रहता है, छोटा सा, चार्ज करो अपना 100 किलोमीटर जाएगी, और ऐसा ही है, छोटी सी कहीं पे भी लेके चल जाओ। देखो ना बहुत कॉम्पैक्ट है। और ये कुछ ऐसा शंघाई का अपना, देखो ये बिल्डिंगें हैं और गाड़ियाँ, आप देख सकते हो कितनी नाइस है इधर, बहुत अच्छी है इधर। गाड़ियाँ बहुत लग्जरियस होती है, आप देखो एकदम लग्जरी गाड़ी है।
और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इधर का, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो, मतलब वेरी नाइस। और देखो ना इसका हाईवे भी इतना क्लीन है, कुछ मतलब मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा इधर गंदा, वेरी क्लीन। आई लाइक इट, आई रियली टू मच लाइक दिस सिटी, दिस प्लेस इज रियली वेरी नाइस। एंड मैं तो सोचता हूँ अपना इंडिया भी एकदम मतलब साफ सुथरा दिखा। ये देखो लिम्बोर्गिनी का शोरूम है इधर, मतलब बगल में ही है, और मतलब बहुत अच्छा है देख के। मैं भी सोचता हूँ कि अपने इधर भी ऐसा ही होना मांगता है एकदम तगड़ा, तो बहुत मज़ा आएगा। और ये दूसरे लोकेशन पे मैं आ चुका हूँ एक्चुअली में, ये एक्चुअली में एक बुद्धिस्ट मंदिर है और ये बहुत पुराना मंदिर है इधर का। और मैं इधर आ गया, इधर कुछ एंट्री फीस है, तो मेरे को एंट्री के लिए कुछ करना पड़ेगा, मतलब कि स्कैन। तो मैं आ गया हूँ एक नए लोकेशन पे, आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, देखिए। और ये मैंने टिकट भी ले लिया, अभी इसको स्कैन करने का और फिर अंदर जाने का। और ये कुछ ऐसा ही माहौल दिख रहा है अंदर का, और इधर बुद्धिस्ट लोग, चाइनीज़ लोग ज़्यादातर आते हैं, और थोड़े बहुत टूरिस्ट आते हैं जो बाहर कंट्री को। वो देखो बगल में पंडित था इधर का, मतलब ये चाइनीज़ पंडित है, बुद्धिस्ट पंडित है इधर का। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है इधर का, और मतलब इधर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नाइस है। देखो कैसे नक्काशे बनाए हैं ना इसके दीवार पे, एकदम मतलब ये पत्थर से बनाए, जो जितने भी ये दिख रहे हैं ना वॉल, ये डोर, ये सब वुडन के हैं, और एकदम मतलब तगड़ा है, क्या बनाया है लेकिन। और ये देखो ये ग्राउंड फ्लोर है और मैं अभी 3rd फ्लोर पे हूँ एक्चुअली में। और ये कुछ ऐसा दिखता है, मतलब बहुत बड़ा है, ऊपर तक देख रहे हो कितना बड़ा है ये एकदम। मतलब ये मंदिर, मतलब ये पूरे बीच में, बिल्डिंगों के बीच में। देखो ये सब, ये जो वुडन का मतलब ये रूफ है, इतना नक्काशे हैं ना ये सब, मतलब बहुत मतलब ये हाथ से बनाए गए हैं, ना कि मतलब ये मशीन से, ये सब हाथ से बनाए गए हैं। इसको मतलब कितना टाइम लगा होगा आप देख सकते हैं, देखो ना एकदम तगड़ा है। और यही देखने के लिए मेरे को मन करता है, तो इसी के लिए मैं ज़्यादातर ये सब टेम्पलों में जाता हूँ। मतलब डिज़ाइन, एवरीथिंग इज़ मेक यू फील वेरी बेटर इफ़ यू सी द डिज़ाइन एंड समथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इधर का इन्वायरमेंट कितना तगड़ा है, मतलब दिख रहा है सिस्टमेटिक गाड़ी जा रही है, ना कोई लेफ्ट ले रहा है ना कोई राइट ले रहा है। मतलब अभी मैं इसके अंदर सिक्का डालने वाला हूँ, ओ तेरी की, गया ही नहीं। और सब लोग वही कर रहे हैं, और लोग नीचे से डाल रहे हैं, मैं ऊपर से डाल रहा हूँ सिक्का। और ये कुछ गॉड है इधर के, और वो सामने है एप्पल का शोरूम, आपको दिख रहा है। आज मेरी फ्लाइट भी है तो मेरे को फटाक से निकलना पड़ेगा, थोड़ी सी कॉफ़ी पीऊँगा निकल। तो कुछ ऐसा ही शंघाई का कॉफ़ी शॉप दिखता है, आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि बार है। अभी मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया है, ऐसा ही कुछ नज़ारा है, और खाली पी लिया, मतलब ठीक ही है। यहाँ का कुछ माहौल ही कुछ अलग ही है, और बाहर कुछ ऐसा दिखता है। अभी मेरे फ्लाइट का टाइम हो गई है, मैं जा रहा हूँ, और फिर से मिलेंगे कोई नए ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।